Welcome to my channel, Hemraj Sir New Tips. कक्षा 8 की प्रश्नावली 8.1 पहला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। हमें इनका क्या करना है, जोड़ करना है। हमारे पास सवाल है पहला, संख्या है हमारे पास ए बी माइनस बी सी, उसके बाद है बी सी माइनस सी ए, उसके बाद है सी ए माइनस ए बी। इसको हम हल करेंगे। अब जो हमारे पास बीजी व्यंजक दिए हुए हैं, इनका हमें योग करना है यानी जोड़ करना है। तो हम सबसे पहले इनको क्रम से लिखेंगे, ए बी माइनस बी सी। अब देखो यहाँ कॉमा लगा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं है, और हमें क्या करना है, इनका जोड़ करना है। तो हम किसका निशान लगा देंगे, प्लस का। और उसके बाद है बी सी माइनस सी ए, उसके बाद यहाँ पे भी प्लस का निशान लगा देंगे हम, कोई चिन्ह नहीं है इसलिए। उसके बाद है सी ए माइनस ए बी, क्योंकि हमने इसलिए लगाया है प्लस का निशान, हमें क्या सवाल में बताया गया है कि इनके योग करना है यानी जोड़ करना है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया और यहाँ भी प्लस लगा दिया। अब इस सवाल को हम आगे हल करेंगे। तो हमें सबसे पहले इनको पहले व्यवस्थित तरीके से लगाना है। पहला जोड़ा है उसको हम पहले लिखेंगे ए बी माइनस बी सी। अब हम क्या करना है, ये वाला जोड़ा हमें जोड़ना है इसमें। तो अब देखो बी सी, हमें ये ध्यान रखना है बी सी को बी सी के नीचे लिखेंगे। तो देखो बी सी और बी सी कहाँ पे है, ये रही बी सी। तो बी सी को बी सी के नीचे लिखेंगे, और बी सी किसकी है, प्लस की है। तो हम प्लस के बी सी, उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस के सी ए। अब देखो माइनस के सी ए इसमें नहीं है, तो हम इसको अलग से लिख देंगे माइनस सी ए। अब उसके बाद हमारा तीसरा जोड़ा है, तीसरा जोड़ा है हमारे पास प्लस का सी ए। अब देखो इसमें सी ए कहाँ पे है, सी ए रहा। तो हम इसको सी ए को सी ए के नीचे लिखेंगे, लेकिन ये किसका है, प्लस का। तो यहाँ लिख देंगे प्लस का सी ए। अब उसके बाद हमारे पास अगला है माइनस का ए बी। अब ए बी देखते हैं कहाँ पे है, देखो ये रहा ए बी, हमारे पास ए बी ये रहा, लेकिन ये किसका है, माइनस ए बी है। तो माइनस ए बी को हम इसी के सामने यहाँ पे लिख देंगे माइनस ए बी, क्योंकि इसके नीचे ही लिखना होता है। ये ध्यान रखना हमेशा, जैसे बी सी को बी सी के नीचे, सी ए को सी ए के नीचे, और ए बी को ए बी के नीचे। अब इसको हम आगे हल करते हैं, क्या है कि हम इनका जोड़ कर रहे हैं। अब देखो ये ए बी प्लस का है और ये ए बी माइनस का है, तो एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो आपस में ये कट जाते हैं, ये कट गए। अब देखो एक माइनस का है बी सी और एक है प्लस का बी सी, तो आपस में कट गए, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। तो उसके बाद माइनस का सी ए और प्लस का सी ए, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो आपस में ये कट गए। तो हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो हमारा आ जाएगा जीरो। यहाँ पे भी कितना बचा, जीरो। यहाँ पे भी कितना बचा, जीरो। तो हमारा उत्तर आ जाएगा जीरो। ये हमारे उत्तर है सवाल नंबर एक का पहला, उत्तर है सवाल नंबर एक का पहला। अब हमारे पास सवाल नंबर दो, इसको हल करेंगे। तो हमारे पास तीन जोड़े हैं इसमें, एक दो तीन, और इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी प्लस ए बी। अब यहाँ किसका निशान लगाएंगे, प्लस का। फिर बी माइनस सी प्लस बी सी, यहाँ पे भी किसका निशान लगाएंगे, प्लस का। उसके बाद संख्या है सी माइनस ए प्लस में ए सी। अब इसको आगे हल करेंगे हम। अब हमारे पास सबसे पहले जोड़े को हम लेंगे, इस जोड़े को, ठीक है, इस जोड़े को हम यहाँ पे उतार देंगे। पहला जोड़ा उतार दिया है हमने, उसके बाद में दूसरा जोड़ा है हमारे पास बी। देखो बी कहाँ पे है, बी को बी के नीचे लिखेंगे, और बी किसका है, प्लस का है, प्लस का बी। उसके बाद है माइनस का सी। अब माइनस का सी इसमें अलग से नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसी के सामने माइनस का सी लिख देंगे। उसके बाद है प्लस का बी सी। अब इसमें बी सी भी नहीं है, तो बी सी को क्या करेंगे, अलग से लिख देंगे, प्लस का बी सी। अब हमारे पास अगला जोड़ा है तीसरा, ठीक है, तीसरे जोड़े को लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है, तीसरा जोड़ा सी। सी कहाँ पे है, देखो ये सी ए रहा, और ये सी किसका है, प्लस का। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का सी। अब हमारे पास ए, ए कहाँ पे है, ये रहा, और माइनस का है ए, तो इसको इसी की लाइन में इसके सामने लिखेंगे माइनस का ए। अब हमारे पास अगला है प्लस ए सी। अब ए सी कहाँ है, देखो ए सी इसमें नहीं दे रखा है, तो इसको ए सी को हम क्या करेंगे, इसी के सामने अलग से लिख देंगे। तो प्लस का ए
सी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया है व्यवस्थित तरीके से। अब इसको हम जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखो ए प्लस का है और ये किसका है, माइनस का है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है तो हम इसको प्लस का मानते हैं। तो ए से ए कट गया, अब बी माइनस का और बी प्लस का, ये भी बी से बी कट गया। अब उसके बाद है हमारे पास ए बी, यहाँ ए बी इसके नीचे कुछ नहीं है तो प्लस का ए बी। ठीक है, अब सी माइनस का और सी प्लस का, ये आपस में एक दूसरे से कट गए और यहाँ पे कुछ नहीं है और बी सी का प्लस का बी सी, और यहाँ पे इसके में भी कुछ नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, प्लस का ए सी। तो ये हमारे उत्तर हो गए सवाल नंबर दो का, ये हमारा उत्तर है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारे सवाल नंबर दो के उत्तर हो गए। अब हमारे पास सवाल तीसरा हल करेंगे हम। हमारे पास संख्या दी हुई है दो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर माइनस तीन पी क्यू प्लस चार, और उसके बाद है दूसरा पाँच प्लस सात पी क्यू माइनस तीन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब हमें इनका क्या करना है, जोड़ करना है। तो आपको मैंने पिछले सवाल में बताया था, जोड़ में जहाँ कोमा है ना इसको हटा देंगे और हम क्या लिख देंगे, इसमें प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो हमने इसको हटा दिया कोमा को और दोबारा संख्या लिख करके हमने यहाँ प्लस का निशान लगा दिया, क्योंकि इन संख्याओं का योग करना है यानी जोड़ करना है। तो आगे हम इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पहला जोड़ा है उसको उतार लेंगे, और पहला जोड़ा कौन सा है हमारा, ये इस पूरे जोड़े को पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास जोड़ा है दो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस तीन पी क्यू प्लस चार। अब हम अगला जोड़ा उतारेंगे इसी के नीचे। अब कैसे उतारेंगे, देखो यहाँ कितने हैं, पाँच है, तो पाँच में कोई भी बीजी व्यंजक नहीं है तो हम क्या करेंगे, पाँच को इसके नीचे लिखेंगे चार के, और यह प्लस का है पाँच, ये भी किसका लिखेंगे, प्लस का पाँच। अब हमारे पास क्या है, सात पी क्यू, अब पी क्यू देखेंगे ये रही, हमारे पास पी क्यू ये रही, और ये कितना है सात पी क्यू यानी सेवन पी क्यू, तो प्लस के सात पी क्यू, तो यहाँ जाएगी प्लस के सात पी क्यू। ठीक, उसके बाद में है हमारे पास पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब सबसे पहले पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर देखेंगे कहाँ पे, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर ये रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इस जोड़े को यहाँ पे उतारेंगे, क्या है माइनस तीन पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, हमने इसके नीचे लिख दिया है। तो आगे इसको हम हल करेंगे, तो अब किस तरह से हल करेंगे देखो। अब हमारे पास ये कितने हैं, दो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, और ये कितने हैं तीन पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब देखो तीन ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, माइनस तीन में से एक माइनस तीन पी क्यू क्यू पी क्यू और क्यू क्यू में से हम क्या निकाल देंगे, दो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को निकाल देंगे। तो आपको पता है जब तीन में से दो गए तो कितने बचेंगे, एक पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बचा, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं, सीधा हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, हमारे पास एक बचा। अब उसके बाद देखो अगला है हमारे पास माइनस तीन पी क्यू प्लस सात पी क्यू, तो अब हम देखेंगे कौन से ज़्यादा है, ये वाले प्लस वाले ज़्यादा हैं, तो कितने किसके बचेंगे, प्लस के शेष बचेंगे। अब सात पी क्यू में से तीन पी क्यू घट गए तो हमारे पास बचेंगे चार पी क्यू। ठीक है, उसके बाद है अगला, अब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो दोनों को जोड़ देंगे, पाँच और चार कितना हो गए नौ, तो हमारे कितना आ गए नौ, ये हमारा उत्तर आ गया माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस चार पी क्यू प्लस नौ, ये हमारा उत्तर आ गया तीसरे सवाल का। सवाल हमारे पास चौथा है, इसको हल करेंगे। इसमें थोड़ी संख्या हमारे पास बड़ी है, देखो हमारे पास संख्या दी हुई है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, उसके बाद दूसरा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, उसके बाद तीसरा है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसके बाद है चौथा दो एल एम प्लस दो एम एन प्लस दो एन एल। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो हम सबसे पहले देखो इसमें लिखते हैं हम पहले को, इस वाले जोड़े को यहाँ पे उतार लेते हैं। तो हमने उतार लिया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब अगला जो जोड़ा है हमारे पास ये वाला,
तो अब इसमें देखो कौन कौन से हैं, एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर देखो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो वो किसका माना जाएगा, प्लस का, और एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर हम लिख देंगे, तो हमने लिख दिया एम स्क्वायर। उसके बाद है प्लस एन स्क्वायर, अब देखो ऊपर कोई एन स्क्वायर नहीं है तो इसको हम अलग से लिख देंगे यहाँ पे, और किसका ये प्लस का, प्लस का एन स्क्वायर। अब उसके बाद है हमारे पास तीसरा जोड़ा है हमारे पास ये वाला, तो अब देखो एन स्क्वायर, एन स्क्वायर हमारे पास ये रहा, और यहाँ पे देखो एन स्क्वायर से पहले कुछ भी चिन्ह नहीं है तो किसका माना जाएगा, प्लस का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस एन स्क्वायर। और उसके बाद में क्या है, प्लस एल स्क्वायर, एल हमारे पास ये रहा, इसके सामने लिखेंगे हम प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे और इसके सामने लिखेंगे इधर, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमने। अब हमारे पास है अगला जोड़ा है हमारे पास ये वाला पूरा, अब देखो इसमें क्या है, दो एल एम हमारे पास, देखो एल एम अभी तक किसी भी जोड़े में नहीं आया है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अलग से ही लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे दो एल एम, ठीक है। उसके बाद है प्लस, अब है दो एम एन, एम एन भी कहीं भी नहीं आया तो इसको भी हम अलग से लिख देंगे दो एम एन। उसके बाद है प्लस एन एल भी, देखो कहीं भी नहीं है तो इसको भी हम अलग से लिख देंगे दो एन एल। अब इसको हम आगे हल करेंगे, तो आगे हल करेंगे देखो ये एल स्क्वायर किसका है, प्लस का, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाता है, तो ये एल स्क्वायर प्लस का है और ये भी एल स्क्वायर प्लस का है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों समान चिन्ह तो जुड़ जाते हैं, तो प्लस के कितने आ गए एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर कितने हो गए दो एल स्क्वायर हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों को जोड़ दें कितना हो गया दो एल स्क्वायर। अब उसके बाद देखो ये कितने एम स्क्वायर, ये रहा और ये एम स्क्वायर, दोनों प्लस के तो दोनों को इनको भी जोड़ देंगे तो कितने हो गए दो एम स्क्वायर। उसके बाद है एन स्क्वायर, एक ये रहा एन स्क्वायर एक ये रहा, दोनों को जोड़ देंगे कितना जाएंगे, दोनों प्लस के तो प्लस के एन स्क्वायर दो, यानी दो एन स्क्वायर, ठीक है, इन जोड़ दिया इसको एन को और एन को, दो एन स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या है ये, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो किसका माना जाएगा, प्लस का, हम यहाँ पे भी लिख देते हैं प्लस का, तो कितने हैं दो एल एम। उसके बाद है एम एन, उसके बाद है दो एन एल। अब हमारे पास एक इसमें समरूपता आ रही है इन सभी के अंदर, देखो इसमें भी दो आ रहा है, 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 और इसमें भी दो आ रहा है, इसमें भी दो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से दो को कॉमन ले लेंगे, यानी दो को हमने बाहर ले लिया। अब अंदर ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, जब हमने दो को कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ पे जब दो का इसमें दो का भाग लगाएंगे, दो से दो कट के क्या बचेंगे अंदर एल स्क्वायर, और इसके देखो इसमें हमने कोई चिन्ह नहीं लगाया कि किसका चिन्ह था, प्लस का, तो उसके बाद में प्लस, तो दो से दो कट गए यहाँ पे कितने बचे एम स्क्वायर, उसके बाद प्लस दो से दो कट गए क्या बचे यहाँ एन स्क्वायर, प्लस दो से दो कट गए क्या बचा यहाँ पे एल एम, उसके बाद में प्लस दो से दो कट गए और यहाँ पे क्या बचेगा एम एन, उसी प्रकार दो से दो कट गए यहाँ पे क्या बचेगा एन एल, ये हमारे उत्तर हो गए। अब हमारे पास प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल है ए, ए सवाल के अंदर देखिए 12 ए माइनस 9 ए बी प्लस 5 बी माइनस 3 में से 4 ए माइनस 7 ए बी प्लस 3 बी प्लस 12 को घटाइए। अब हमें क्या करना है, इसमें घटाव करना है, और घटाव में हमें एक विशेष बात याद रखनी है, वो हम इस सवाल के अंदर आपको बताएंगे। अब हमें इसमें क्या करना है, घटाव करना है, ये याद रखना, घटाने में और जोड़ने में क्या अंतर है वो हम आपको इस सवाल के अंदर बताएंगे। अब देखो हमें, हमारे पास जो पहला जोड़ा था, हमारे पास जो पहला जोड़ा था उसको हमने नीचे लिख दिया है, ठीक है। अब उसमें से इस जोड़े में से ये वाला जोड़ा हम घटाएंगे, ठीक है, ये वाले जोड़े को अब नीचे लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे कि आपको याद रखना है, जो भी बीजी व्यंजक है उसको उसके नीचे ही लिखना है। अब हमारे पास सबसे पहले कितना है 4a, ठीक है, आप देखो इसमें 4a ये रही, और देखो 4a किसकी है, ये 4a कोई चिन्ह नहीं है तो किसकी मान जाएगी, प्लस की, तो यार लिखेंगे प्लस 4a। उसके बाद है माइनस 7ab, अब ab कहाँ पे है, देखो ये रही ab, और किसके हैं माइनस 7 ए बी। उसके बाद में हमारे पास प्लस 3b, 3b कहाँ पे है, देखो ये रही प्लस 3b, ये रही, तो प्लस
तीन बी, और हमारे पास संख्या है केवल प्लस 12, और प्लस 12 तीन के नीचे हम लिख देंगे। अब इसके अंदर हमें विशेष बात याद रखनी है, वो हमें क्या है वो बात, देखिए जब भी हम इनको घटाते हैं तो नीचे की जो संख्या होती है उसके सारे के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। मान लो नीचे प्लस है तो माइनस में हो जाएंगे, और माइनस का चिन्ह है तो वो प्लस में बदल जाएगा। तो हम इसको आपको करके बता रहे हैं, देखो ये हमारे पास है, ये जो पहला नीचे की संख्या है प्लस 4 है तो ये किस में बदल जाएगी, माइनस में, ठीक है, ये हम लिख दिया माइनस, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारा माइनस का है तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में है तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में, और ये प्लस में है तो ये किस में बदल जाएगा हमारा, माइनस में। याद रखना जो नीचे का जो जोड़ा होता है उसके अंदर जो भी चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो हमने इन चिन्हों को बदल दिया है, अब इस सवाल को हम आगे हल करेंगे। अब देखो हमारे पास 12a, यहाँ पे है 4a, ये 12a कोई चिन्ह नहीं तो प्लस की बन जाएगी, तो 12a और 4a, ये 4a किसके, माइनस के, तो 12 माँ से 4a गए तो 12a में से 4a को घटा देंगे, कितने बचेंगे, 12 माँ से 4 गए तो 8, और 8a हमारे बच गए, किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, क्योंकि बड़े प्लस के थे। अब हमारे पास ये देखो माइनस 9ab, ठीक है, माइनस 9ab है, और 7 क्या है, देखो पहले तो माइनस के थे लेकिन हमने इसको बदल दिया है, ये किसके बन गए, प्लस के बन गए। अब तो हमारे माइनस 9ab में से प्लस के 7ab घटाएंगे तो किसके बचेंगे, माइनस के क्षेत्र शेष बचेंगे, और माइनस के कितने बचेंगे, 2ab। उसके बाद में हमारा अगला है 5b में से प्लस के, और ये माइनस के कितने घटाएंगे, 3b, तो 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 2b, और ये देखो ध्यान रखना ये प्लस के 5 थे और माइनस के 3 है तो बड़े किसके हैं, प्लस के, तो हमारे यहाँ प्लस के बचेंगे। उसके बाद में देखो ये माइनस के 3 है और ये 12 पहले तो प्लस के थे लेकिन बदल दिया हमने, किसके हो गए, 12 माइनस के, तो माइनस के 12 है और माइनस के 3 है तो दोनों को जोड़ दो, तो माइनस के कितने हो गए, माइनस माइनस के 12 और 3 15। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो गया, ये हमारे उत्तर हो गए, इस सवाल को उत्तर है, ये हमारे उत्तर आ गए, 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15, ये हमारे उत्तर। अब हमारे पास सवाल है दूसरे का बी सवाल, और हमारे पास संख्या है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए, यानी इसमें से हमने ये वाली संख्या घटानी है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इस प्रकार से हमने इस संख्या को यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को इसके नीचे लिखेंगे। तो हमारे पास देखो सबसे पहले क्या है, 3xy, अब xy कहाँ पे है, देखो ये रहा 3xy, इसको इसके नीचे हम लिख देंगे 3xy, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 5yz, yz ये रहा yz, तो हमारे पास किसके आएंगे, प्लस के, तो प्लस के 5yz। उसके बाद है हमारे पास माइनस 7zx, अब zx देखो कहाँ पे है, ये रहा माइनस zx, ये रहा zx, ये रहा, तो हम क्या करेंगे, माइनस 7zx को इसके नीचे लिख देंगे, माइनस 7zx, ठीक है। और हमारे पास और आगे कोई संख्या नहीं है, अब इसको हम आगे हल करेंगे, ठीक है। और हल करने से पहले हमने आपको बताया था पिछले सवाल में, जब हम इन सवालों को घटाते हैं तो नीचे के जो जोड़ा होता है उसके सभी चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखो ये 3xy किसका है, प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 3xyz प्लस का है तो इसको कर देंगे माइनस का, ठीक है, और ये प्लस का है तो ये भी किसको जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो नीचे के सारे चिन्ह हमने बदल दिए हैं, अब इसको हम आगे इसको हल करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास 5xy और नीचे कितने हैं, माइनस 3xy, तो 5 में से 3xy चले गए, कितने बचेंगे, 2, और 2 किसके बचेंगे, प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी तो प्लस के, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, तो जब चिन्ह ही लगाएंगे तो प्लस का ही माना जाएगा, 5 में से 3 गए थे 2xy, ठीक है।
अब हम आगे करेंगे इस सवाल को, माइनस दो वाई जेड और इधर कितने है, माइनस माइनस पांच वाई जेड। अब हम क्या करेंगे, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दो और पांच कितने होते हैं, सात, और किसका रहेगा ये, माइनस का, माइनस का सात वाई जेड। उसके बाद में अगला सवाल है हमारे पास, माइनस दो जेड एक्स और नीचे कितने हैं, देखो प्लस के हैं ये, प्लस के सात जेड एक्स। अब ये प्लस के और ये किसके, माइनस के, तो बड़ी किसके हैं, प्लस वाले, तो यहाँ बचेगा प्लस। तो अब प्लस के सात जेड एक्स में से हम घटा देंगे दो जेड एक्स, कितने बचेंगे, पांच जेड एक्स। अब उसके बाद में अगली से संख्या, हम इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसको ऐसा कैसा उतार देंगे, क्योंकि ये ऊपर की संख्या है तो इसको ऐसा कैसा यहाँ पे उतार देंगे, तो प्लस दस एक्स वाई जेड। इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो गया है, इस तरह से हमारा सवाल नंबर बी का ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। संख्या है दो एक्स वाई माइनस सात वाई जेड प्लस पाँच जेड एक्स प्लस दस एक्स वाई जेड, ये हमारा बी सवाल का उत्तर हो गया। अब हमारे पास दूसरे का सी सवाल है, अठारह माइनस थ्री पी यानी कि अठारह माइनस तीन पी माइनस ग्यारह क्यू प्लस पाँच पी क्यू माइनस दो पी क्यू स्क्वायर प्लस पाँच पी स्क्वायर क्यू में से चार पी स्क्वायर क्यू माइनस तीन पी क्यू प्लस पाँच पी क्यू स्क्वायर माइनस आठ पी प्लस सात क्यू माइनस दस को घटाइए। अब हमने इस संख्या में से ये वाली संख्या घटानी है, यानी कि ये जो हमारे पास जोड़ा है पूरी संख्या का, इसमें से हमने ये वाला जोड़ा घटाना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस जोड़े को यहाँ पे तारना था, ये हमने तार दिया है। अब हम इस जोड़े को इस जोड़े के नीचे उतारेंगे, तो हमारे पास पहले जो संख्या है हमारे पास चार पी स्क्वायर क्यू। अब देखो चार पी स्क्वायर क्यू की संख्या कहाँ पे है, पी स्क्वायर क्यू की संख्या यहाँ पे है, देखो यारी पी स्क्वायर क्यू। अब इसको हम इसके नीचे उतारेंगे, और ये किसकी है हमारे पास, प्लस की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस चार पी स्क्वायर क्यू। उसके बाद है अगली जो संख्या हमारे पास माइनस तीन पी क्यू, पी क्यू संख्या कहाँ पे, यारी पी क्यू संख्या इसके नीचे उतारेंगे, माइनस तीन पी क्यू माइनस तीन पी क्यू। उसके बाद है हमारे पास प्लस की पाँच पी क्यू स्क्वायर। अब देखो पी क्यू स्क्वायर की संख्या ये रही पी क्यू स्क्वायर, अब हम इसको इसके नीचे उतार देंगे, तो प्लस के पाँच पी क्यू स्क्वायर। उसके बाद है माइनस आठ पी, अब पी की संख्या कहाँ पे है, देखिए रही, अब हम क्या करेंगे, माइनस आठ पी को इसके नीचे उतार देंगे, माइनस आठ पी, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास अगली संख्या है सात क्यू, अब क्यू की संख्या हमारे पास ये रही, तो इसको यहाँ उतार देंगे, प्लस सात क्यू को इसके नीचे उतार देंगे, प्लस सात क्यू, प्लस सात क्यू इसके नीचे उतार दिया। अब हमारे पास अगली जो संख्या है माइनस के दस, इसमें कोई भी बीजीय व्यंजक नहीं है, तो अब ऐसी संख्या कहाँ पे है, ये रही, तो ये माइनस दस दस को हम यहाँ पे उतार देंगे। अब देखो पूरी संख्या संख्याओं के नीचे आ गई है, अब इसका हम करेंगे घटाओ, ठीक है। और घटाओ करते समय तुम्हें पता है नीचे के जो जोड़ा होता है उसके सारे के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो बदलते समय क्या करें, कैसे बदलेंगे, देखो यहाँ ये माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये माइनस है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस। अब इसको हम आगे हल करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे 18 हैं और ये प्लस के 10 हैं, ये भी प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं, तो 18 और 10 कितने हो गए 28, ठीक है। आप प्लस के लिखने की आवश्यकता नहीं है शुरू में, उसके बाद में 8 प्लस के हैं और माइनस के 3 हैं, तो 8 में से हम 3 घटा देंगे और किसके बचेंगे, प्लस के, 8 में 3 गए तो 5
पी, ठीक है। 8 में 3 गए तो 5, और किसके बचेंगे प्लस के। अब हमारे पास माइनस के 11 हैं और माइनस के ही 7 है, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है इसलिए इस संख्या का ये माइनस माना जाएगा। तो माइनस के 7 क्यू, तो अब हम क्या करेंगे, ये भी माइनस के और ये भी माइनस के, 7 और 11 कितने हो गए 18, ये हो गए माइनस के 18 क्यू। उसके बाद है ये भी प्लस के और ये भी प्लस के, तो हम क्या करेंगे प्लस के 5 पी क्यू में प्लस के 3 पी क्यू को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे प्लस के 8 पी क्यू। उसके बाद है हमारा ये माइनस के 2 पी क्यू स्क्वायर और ये भी माइनस के 5 पी क्यू स्क्वायर है, तो दोनों माइनस माइनस के, तो हम दोनों को जोड़ देंगे 5 और 2 7, माइनस के 7 पी क्यू स्क्वायर। उसके बाद में है हमारा ये प्लस के 5 पी स्क्वायर क्यू है और ये माइनस का है 4 पी क्यू पी स्क्वायर क्यू, तो अब ये प्लस का और ये माइनस का, तो हम क्या करेंगे प्लस वाले में से माइनस वाले घटा देंगे, तो कितने बचेंगे एक बचेगा, एक पी स्क्वायर क्यू बचेगा, और एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ लिख देंगे प्लस के पी स्क्वायर क्यू, एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक का एक बार लिखेंगे तो एक ही माना जाता है वो, ठीक है। ये हमारे इस सवाल के हल हो गया है, ये हमारे उत्तर हो गए। अब हम चाहें तो इन इसको व्यवस्थित भी कर सकते हैं, ये 28 लास्ट में चले जाएंगे, ये तो शुरू में पहले लिख देंगे उसको, उसके बाद में इसको लिख देंगे, इसके उसके बाद में इसको लिख देंगे, और उसके बाद में ये, और उसके बाद में ये, और सबसे लास्ट में हम इसको लिख देंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये भी हमारा उत्तर सही है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।